हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C Android मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना फोन साइज को चेंज कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का ना सेटिंग का पेज ओपन करना है, ठीक है। इसमें आपको नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले का, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसमें आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट साइज का ये ऑप्शन मिलता है, इसे सेलेक्ट करना है। अब आपको इस पेज में ना ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो टेक्स्ट साइज है ना इसी को फोन साइज बोला जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो आपको इस पेज में ना सबसे नीचे एक लाइन दे रखी होती है, इस लाइन को आप ना आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए, इस लाइन को मैं एक एक स्टेप पीछे करूंगा ना, तो ये जो फॉन्ट लिखे हुए हैं ना ये छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए इन फॉन्ट्स को, ये देखिए छोटे होते चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, छोटे होते चले जा रहे हैं और मैंने इसे बिल्कुल ही पीछे कर दिया लाइन को, ठीक है ना। तो ये फॉन्ट साइज इतने छोटे हो गए। अब मैं बैक पेज पे जाके दिखाता हूँ, तो देखिए फॉन्ट साइज भी जो है छोटे हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ना फॉन्ट साइज को अपना चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जितना फॉन्ट साइज आप यहाँ पे रखेंगे ना, तो वो ये सेटिंग ना आपके पूरे मोबाइल सिस्टम पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैंने बैक पेज पे जाके दिखाया था ना, तो आपके पूरे मोबाइल सिस्टम पे ये अप्लाई हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे आपके फॉन्ट होंगे वो उतने ही साइज के हो जाएंगे जितना साइज आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है।